हे गाइस, व्हाट्सएप। मेरा नाम इमरान और आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर की दुनिया। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कुछ बंदे ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर का काम सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, और कुछ बंदे ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर का काम घर में ही करना चाहते हैं, और कुछ बंदे ऐसे हैं दुकानदार कि जो चाहते हैं कि हमारा टाइम भी खर्च ना हो और हम काम सीख लें। तो ये वीडियो उनके ही लिए है, और साथ ही साथ ये वीडियो उनके लिए भी है जिनके पास पैसा नहीं है काम स्टार्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको सारे सॉफ्टवेयर एकदम फ्री में बताऊंगा। ना तो आपको कोई डोंगल खरीदने की ज़रूरत है और ना ही कोई बॉक्स खरीदने की ज़रूरत है। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको सॉफ्टवेयर करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर का काम स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? या तो आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए या फिर एक लैपटॉप होना चाहिए। आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आपको कंप्यूटर या लैपटॉप में कम से कम ये चीज़ें चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कंप्यूटर में आपके 4 GB रैम होनी चाहिए कम से कम, i3 का प्रोसेसर होना चाहिए और 64 बिट होना चाहिए, और 500 GB कम से कम हार्ड डिस्क होनी चाहिए। और सबसे मेन बात, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडो 10 होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, विंडो 10 से आपको काफ़ी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करने पड़ते हैं, ऑटोमेटिक आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी कंप्यूटर की पूरी जानकारी कि हम सॉफ्टवेयर का काम स्टार्ट करेंगे तो हमें किस तरह का कंप्यूटर चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फ़ोन में सॉफ्टवेयर करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं उनके लिए चाहिए आपको ये वाली डाटा USB कनेक्ट, LG 3500 बोलते हैं इसे। ठीक है, तो सबसे पहले चाहिए आपको एंड्रॉयड में काम करने के लिए ये वाली डाटा LG 3500। थोड़ी से पास से दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये चाहिए सबसे पहले आपको। और उसके बाद जो आपके पास मान लीजिए एप्पल का फ़ोन आता है, और साथ में मैं आपको एप्पल के सॉफ्टवेयर भी करना सिखाऊंगा, आई क्लाउड बाईपास सब चीज़ करना सिखाऊंगा, वो भी एकदम फ्री में, कोई पैसा नहीं लग रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये एप्पल की डाटा केबल है, तो आपको ये डाटा केबल लेनी होगी। ठीक है, एक आपकी डाटा केबल LG 3500 की हो गई और एक एप्पल की हो गई। ठीक है, तो आपको ये डाटा केबल लेनी होगी। और तीसरी डाटा केबल आपकी ये है टाइप सी डाटा केबल, और आपको तीसरी डाटा केबल ये लेनी होगी। ये तीनों जो डाटा केबल है, एप्पल की, LG 3500 की और हमारी टाइप सी की, ये तीनों डाटा केबल आपको खरीदनी पड़ेगी। और आप जिस भी दुकान से ये तीनों डाटा केबल खरीदेंगे तो याद रखना, आपको उससे कहना है कि हमें USB कनेक्ट डाटा केबल चाहिए। ठीक है, तो आपको सॉफ्टवेयर करने में इन 3 डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, और PC में मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या आपके PC में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ़ोन में कितने तरह के CPU होते हैं और कौन से फ़ोन को हम किस सॉफ्टवेयर से अनलॉक कर सकते हैं या फिर फ्लैश कर सकते हैं। तो दोस्तों, सब चीज़ सिखा रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली।